हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन का चीला। बेसन का चीला बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खाने में भी बहुत हेल्दी है। इसको आप घर में कभी भी नाश्ते में या फिर शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स में भी कभी भी बनाकर आप खा सकते हैं। मैं आज आपको दो तरीके के चीले बनाने बताऊंगी, एक तो प्याज वाले चीले और दूसरे पनीर की स्टफिंग वाले चीले। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ये मैंने इसको बनाने के लिए देसी घी का यूज किया है, आप चाहो तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। ये 100 ग्राम बेसन लिया है, ये हमारे घरों में जो नॉर्मल बेसन आता है वो वाला बेसन है। 100 ग्राम पनीर, एक प्याज, ये हम पनीर की स्टफिंग में यूज करेंगे। धनिया पाउडर, ये मैंने दो प्याज को कद्दूकस कर लिया है, इसको हम चीले में यूज करेंगे। 1.5 चम्मच सूजी ली है मैंने, सूजी से बेसन के चीले में बहुत अच्छा करारापन आ जाता है। ये थोड़ी सी अदरक ली है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक हरी मिर्च को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप मिर्च और ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर और बेसन को घोलने के लिए पानी। तो सबसे पहले हम अपने बेसन को रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में ये बेसन डाल देंगे, इसमें हम ये सूजी भी डाल देंगे। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे, मैं थोड़ी सी इसमें से बचा लूंगी जो हम अपनी स्टफिंग में यूज करेंगे। थोड़ा सा अदरक, नमक, मैंने थोड़ा थोड़ा सामान बचा लिया है जो हम अपनी पनीर की स्टफिंग में यूज करेंगे। लाल मिर्च पाउडर और ये जो कसा हुआ प्याज था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको घोल लेंगे। हमें एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, नहीं तो हमारे बेसन में गांठे पड़ जाएंगी। ये देखिए, धीरे धीरे करके हमें इसको मिक्स करना है और धीरे धीरे ही पानी ऐड करना है। अगर आप एक साथ पानी डाल दोगे तो गांठे पड़ जाएंगी, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है और उस पर एक पैन रख दिया, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हमारा पैन गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको गर्म होने देते हैं। हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। गैस को हमने स्लो रखना है, नहीं तो ये दोनों चीजें गल जाएंगी। अभी हमारी हल्की सी भुन गई है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस हमें बहुत हल्का सा ही इसको भूनना है। अब जो हमने ये पनीर लिया था इसको भी अब हम हैंड की हेल्प से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, नमक, धनिया पाउडर और इसको बहुत हल्का सा हमें भूनना है। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, आप चाहो तो इसमें कच्चा पनीर भी स्टफिंग में यूज कर सकते हैं, पर इससे भूनने से इसका टेस्ट और बहुत अच्छा आ जाता है, तो मैं इसी तरीके से अपने घर में बनाती हूँ। इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। मैंने इसमें हल्दी का यूज नहीं किया है क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए, स्टफिंग को मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया जिससे ये ठंडी हो जाएगी और हमारा यहाँ पर बैटर भी बनकर रेडी है। इसको रखे हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल फ्लोइंग वाली। अब देखिए, मैंने गैस पर एक तवे को रख दिया है,
ये हमारा नॉर्मल जिसपे हम रोटियां बनाते हैं वो वाला तवा है, मैं उसी पे चीले बना रही हूँ। इसको गर्म होने के लिए रख देंगे, हमें तवा अच्छे से गर्म चाहिए। अगर हम ठंडे तवे पर चीले को डाल देंगे तो वो चिपक जाएगा। अब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है, इस पर हम बहुत थोड़ा सा, हमें बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा हमें इस पर घी लगाना है और गैस को एकदम से स्लो कर देना है और बैटर को मिक्स अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको इस पे फैलाएंगे। ये देखिए आप बीच में बिल्कुल सेंटर में हमें डालना है। आप इसको मोटा पतला अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कड़छी से धीरे धीरे फैला दीजिए। ये देखिए हमें इसको बहुत अच्छे से फैलाना है, नहीं तो ये बीच में से मोटा रह जाएगा। और अब हम गैस को तेज कर देंगे और इसके साइडों में थोड़ा थोड़ा हम घी डाल देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे। अब इसको हम सिकने देते हैं जब तक इसके ऊपर का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। ये साइडों में से भी थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। अब ये देखिए हमारा चीला हल्का हल्का सा सिक गया और साइडों में से भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको अब हम पलट देंगे। इसको अच्छे से किनारे हमें छुटाते हुए इसको बहुत आराम से करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखिए इसको हम पलटेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारे चीले पर कलर आया है। इसको हम दूसरी तरीके से, दूसरी साइड से भी अब इसी तरीके से सेक लेंगे और इसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है। अब इसे एक मिनट हो गया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरफ से भी हमारे चीले पर कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और सेक लेंगे जिससे हमारा चीला बहुत करारा बन जाएगा। इसको आपको थोड़ा थोड़ा दबाते हुए सेकना है। अब ये देखिए हमारा चीला अच्छे से सीख गया है। इसको अब हम उतार लेंगे, इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। गैस को स्लो कर देंगे और ये हमारा बेसन और प्याज वाला चीला बनकर रेडी हो गया है। अब हम अपना दूसरा चीला बनाएंगे, स्टफिंग वाला। एक आलू लेंगे और इसको हम बीच में से काट लेंगे और तवे पे इस तरीके से इसको घिस देंगे जिससे हमारा चीला तवे पर नहीं चिपकेगा। ये देखिए अब हम इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे। गैस को अभी मैंने बिल्कुल स्लो किया है और अपने बैटर को अच्छे से मिक्स करते हुए, क्योंकि इसमें जो बेसन होता है वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है, तो जब भी हम चीला बनाएंगे एक बार हम अपने बैटर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसी तरीके से सेंटर में इसे डालते हुए और इसको कड़छी से फैला देंगे। अब इसके चारों तरफ हम घी डाल देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी, और इसको सिकने देते हैं। अब ये देखिए साइडों में से गोल्डन हो गया है। अब हम इसको किनारे छुड़ाते हुए इसको हम पलट देंगे, चारों तरफ से घुमाते हुए आपको निकालना है और सेंटर में से भी, और इसको पलट देंगे। गैस को तेज कर देंगे और इसमें भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको सिकने देंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चीला अच्छे से सिक गया है, क्योंकि हम ये पनीर के स्टफिंग वाला चीला बना रहे हैं, तो इसमें अब हम गैस को स्लो कर जो हमने ये पनीर की स्टफिंग बनाकर रखी थी थोड़ी थोड़ी इसमें डाल देंगे। और ये देखिए ये हमारा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसको फोल्ड करते हुए अब हम इसको हल्का सा दबा देंगे
और ये देखिए अभी हमारा पनीर की स्टफिंग वाला चीला भी बनकर रेडी हो गया है। गैस को बंद कर देंगे, इसको भी प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए हमारे दोनों चीले बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। अभी देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। चीलों को आप दही के साथ, इमली की चटनी के साथ, हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं। इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड की हुई है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।